UMB न्यूज देख रहे हैं आप। 24 घंटों की मौसम अपडेट मिलती है आपको इसी चैनल पर सबसे पहले, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। आज के अपडेट में हम आपको बताएंगे कैसा रहेगा पूरे देश के मौसम का हाल। चलिए डालते हैं एक नजर आज के अपडेट पर। चक्रवाती तूफान शाहीन के मद्देनजर देश के कई राज्यों में भारी बारिश की आशंका है। IMD ने अपने ताज़ा अपडेट में कहा कि अगले 2 घंटों के दौरान कोसली नू होडल नंदगांव बरसाना तिजारा खैरथल रेवाड़ी नू नंदगांव कोटपुतली में तेज बारिश की आशंका है। तो वहीं अगले 48 घंटों के दौरान दिल्ली NCR में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और किन किन जगह पर येलो अलर्ट जारी किया है आइए जानें। मौसम विभाग ने पहले से ही गुजरात महाराष्ट्र कोंकण और मराठवाड़ा में येलो अलर्ट जारी किया है। तो वहीं इन राज्यों के कई इलाकों में बारिश के दौरान तेज हवाएं चलने के आसार हैं और किन इलाकों में भारी बारिश की आशंका। तो वहीं ओडिशा और पश्चिम बंगाल में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम पलटी मार सकता है और इस वजह से यहां पर भारी बारिश की आशंका व्यक्त की गई है। झारखंड बिहार में भी अलर्ट जारी है। तो वहीं मछुआरों को आज से लेकर अगले 3 दिनों तक समुद्र में जाने से रोका गया है। ताकतवर साइक्लोन शाहीन। तो वहीं मौसम की जानकारी देने वाली निजी संस्था क्लाइमेट ने साइक्लोन शाहीन को लेकर कहा है कि गुजरात के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र उत्तरी पूर्वी अरब सागर और उससे सटे कच्छ के पास अब एक लो प्रेशर एरिया में बदल गया है, जिसके कारण शाम तक और तीव्र होने के आसार नजर आ रहे हैं, जो कि अगले 24 घंटों में ताकतवर साइक्लोन में परिवर्तित हो सकता है। कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश। यही नहीं, अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल बिहार झारखंड छत्तीसगढ़ तमिलनाडु तेलंगाना उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश ओडिशा विदर्भ आंतरिक कर्नाटक रायलसीमा और तटीय कर्नाटक कोंकण और गोवा लक्षद्वीप और केरल के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। दिल्ली NCR में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। तो वहीं उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के आसार है, जबकि दिल्ली का तापमान भी बदल सकता है। दिल्ली NCR में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना व्यक्त की गई है और इसी वजह से दिल्ली समेत उपरोक्त सभी राज्यों में अलर्ट भी जारी किया है और सबको सतर्क रहने के लिए कहा गया है। आज की जानकारी बस यहीं तक, फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद और देखते रहिए UMB न्यूज़।